गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। एग्जाम स्ट्रेस अच्छा होता है या बुरा होता है? मेरे हिसाब से एग्जाम स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है। हमको स्ट्रेस होगा तभी तो हम पढ़ेंगे, बट एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस बुरा हो सकता है। और स्ट्रेस को अवॉइड करना बहुत बुरा है। काफी बार देखा गया है कि बच्चे ना एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, एग्जाम्स को अवॉइड करते हैं कि हम एग्जाम्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं। वो अपने आप को डिविएट करते हैं कहीं ना कहीं। और जब भी उनको कोई बोल देता है अरे अब तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनको टेंशन हो जाती है। पेरेंट्स बोल देते हैं पढ़ लो, तो उनको टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस पॉजिटिव स्ट्रेस को जो हमारे अंदर होना था, हम उसको अवॉइड करते हैं। तो करना क्या है? तो बहुत ही पॉजिटिव रहना है इस टाइम, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे से फेस करना है। कैसे? सुबह उठे सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करें, बोले कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू इट। बहुत जरूरी है ये बात, है ना, आई कैन डू इट। सुबह उठते सवार पहला अक्षर, पहली लाइन आपके मुंह से ये होनी चाहिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एनीथिंग। उसके बाद एक शेड्यूल बनाएं अपना, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। टाइम पे उठे, टाइम पे सोएं, अपने बेड को खाली सोने के लिए यूज करें, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ें। उससे कहीं ना कहीं आपका एक शेड्यूल अपने आप बन जाता है। और एक रिटर्न शेड्यूल बनाना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम की तैयारी के बीच में, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लें। एवरी 45 मिनट्स 2-3-4 मिनट का ब्रेक जरूर लें। और उस ब्रेक में कमरे में बैठे मत रहें, थोड़ा सा बाहर जाएं, अपने आप को चेंज करवाएं। टीवी या मोबाइल उस समय बिल्कुल ना देखें। और क्या करना चाहिए हमें एग्जाम में? हमें कहीं ना कहीं एक अपना एक गोल सेट करना है कि मेरे को दिन में इतने घंटे पढ़ना है, और देखें कि उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई हो जाए। खाना खाने की बात करूं तो हमें इन दिनों बहुत ही लाइट फूड लेना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉर्मल डाइट, ये लेना ज़्यादा जरूरी है। जंक फूड को अवॉइड करें। पानी जरूर पीते रहें, शिकंजी पानी ये सब चीज़ें हैं जो आपको हाइड्रेट करेंगी, जरूर पिए। नींद प्रॉपर लें, है ना, अपना एक शेड्यूल बनाएं कि रात को मैं सोऊंगा। क्योंकि अगर रात को आप नहीं सोओगे, आप दिन में सोओगे, आपका अगर शेड्यूल बिगड़ जाएगा। काफी सारे बच्चे सोचते हैं मैं रात भर पढ़ूंगा, बट यही शेड्यूल उनका कंटिन्यू रह जाता है। जो एग्जाम तो सुबह होते हैं, तो सुबह उनको फिर एग्जाम टाइम में नींद आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अपना वही शेड्यूल बनाएं कि रात को मैं प्रॉपर सोऊंगा और सुबह जल्दी उठ के मैं पढ़ने लगूंगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जब हमारे एग्जाम होंगे, हम एग्जाम में भी एक्टिव फील करेंगे। और क्या करना है? और ये करना है कि हमको रिवीजन का एक शेड्यूल बनाना है। रिवीजन का शेड्यूल क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है उसको आज रात को दोबारा से रिवाइज करें, 2 दिन बाद रिवाइज करें, 1 हफ्ते बाद रिवाइज करें, और फिर 15 दिन बाद रिवाइज करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम जल्दी भूलेंगे नहीं। रिवीजन याद रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। एक बार ही पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, हम भूल जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, बच्चे आते हैं इन दिनों कि सर हम भूल जाते हैं क्या करें, यहाँ में स्ट्रेस रहता है क्या करें। तो ये सारी टेक्निक्स अपनाना बहुत जरूरी है। इवन पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन मत डालें। उनको हर समय पढ़ाई 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 के लिए मत कहते रहे। उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनके सामने ज्यादा उनके सामने मत बताएं उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस, या हर समय पढ़ाई ही डिस्कस मत करते रहे। इससे उनके ऊपर कहीं ना कहीं और प्रेशर बढ़ जाता है। हम अगर ऐसे करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस लेवल नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस तो अच्छा ही होता है, बट अगर स्ट्रेस फिर भी बहुत ज्यादा है, हम स्ट्रेस के कारण ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हमें कई बार डॉक्टर को दिखा लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारा माइंड एग्जाम के दिनों में भी शांत रहे, काम रहे और हम अच्छे से पढ़ पाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।